वेलकम फ्रेंड्स, तो आज से हमारे चैनल पर आपको मैथ संबंधी भी क्लासेस मिलेंगी। तो आज बिना समय गवाए हम देखते हैं कि ये हमारा न्यूमेरिकल है, ये हल कैसे होगा। तो सबसे पहले हम इसको पढ़कर देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है और हमें क्या डिफाइन करना है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग, मतलब दो ऐसी संख्याएं हैं जिसको जोड़ देने पर 46 आता है, ठीक है, 46। तथा उन्हीं संख्याओं को आपस में घटा, यहाँ अंतर का मतलब है माइनस, ठीक है, घटा देने पर 14 आंसर आता है। तब बताइए कि वो संख्याएं क्या होंगी, मतलब वो दोनों संख्याएं दी ही नहीं है। यहाँ सिर्फ ये बताया गया है कि उन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा आंसर 46 आएगा, और अगर उन्हीं दोनों संख्याओं को घटा दिया जाए तो आंसर 14 आएगा। अब उन्हीं संख्याओं को हमें निकालना होगा। तो मान लीजिए यहाँ दो संख्याएं हैं, तो दोनों को ए और बी नाम दे देते हैं, ठीक है, हमें दोनों को निकालना होगा। तो ए प्लस बी के फॉर्मूले के तौर पर रख लेते हैं। मान लिया पहली संख्या में दूसरी संख्या जोड़ने पर क्या आएगा, 46। हमें थोड़ा समीकरण चाहिए होगा, क्योंकि जब तक फॉर्मूले नहीं बनेंगे तब तक हम इसको हल नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा फॉर्मूला क्या बन रहा है, उन दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब माइनस। हम मान सकते हैं ए में माइनस बी घटाने पर आया 14, तो हमें यहां से दो फॉर्मूले मिल गए, ये पहला और ये दूसरा, है कि नहीं। याद रखिए ए में बी को अगर जोड़ दिया जाए तो 46 आएगा, जैसा कि प्रश्न में लिखा है, और ए से अगर बी को घटा दिया जाए तो 14 आएगा। ये क्लियर हो गया। अब यहां पर b को हम थोड़ा अलग तरीके से लिख लेंगे, जैसे हम लिख सकते हैं b बराबर 46 माइनस, है कि नहीं। उसी तरह a को भी अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे a बराबर 46 माइनस, क्यों, b को निकालने के लिए 46 में से a को घटा देंगे तो b का मान पता चल जाएगा, और अगर b का मान निकालना है तो 46 में से a का मान घटा देंगे, b का मान पता चल जाएगा। तो दोनों में लग रहा है हमने एक ही बोल दिया, ठीक है। तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। तो इस पर ज्यादा ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम अब पहले फॉर्मूले सॉरी दूसरे फॉर्मूले में पहला फॉर्मूला रखकर देखते हैं। तो कुछ इस तरह से आएगा, a माइनस b के स्थान पर हम ये रखेंगे, क्लियर, कैसे, ब्रैकेट में 46, ब्रैकेट क्या लगा, यहाँ माइनस का सिंबल है, ठीक है, 46 माइनस ए, ठीक है, बराबर 14, ये हो जाएगा। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ब्रैकेट तोड़ना होगा। ब्रैकेट तोड़ने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर 46 के आगे कोई सिंबल नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। यदि आपको सिंबल नहीं समझ में आ रहा है तो ई याद कर लीजिएगा, यदि दोनों सिंबल माइनस हो तो सिंबल होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ठीक है, वो घट जाएगा, और अगर माइनस प्लस हो तभी वो माइनस होगा क्योंकि घट जाएगा, और दोनों ही प्लस हो तो प्लस हो जाएगा। लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसमें जो संख्या बड़ी हो, मान लीजिए कि माइनस 60 और प्लस 20 लिखा, ऐसे में क्या किया जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये दोनों संख्या घट जाएंगे, लेकिन जो सिंबल होगा, जो चिन्ह होगा, वो बड़ी संख्या का लगता है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्रैकेट तोड़ने के लिए प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक, तो यहाँ पर इस तरह ध्यान लिखिए माइनस 46 माइनस माइनस प्लस ए बराबर 14 आ गया। अब हम ये नंबर है और ये अल्फाबेट है, नंबर को हम इधर लग देंगे, क्योंकि ये देखो 46 माइनस है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से इसको यहां से हटाकर यहां कर देते हैं, यहां पर आएगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा, 46 हो गया, क्योंकि यहां पर देखो ये 46,
अब यहां पर जो ए है, ए के आगे वाला जो सिंबल है यहां पर भी कुछ नहीं है, मतलब प्लस होगा, तो प्लस प्लस यहां पर हम डायरेक्टली 2a लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, है कि नहीं, a प्लस a 2a। अब यहां पर इसको 46 को प्लस कर देंगे तो यहां पर हमें आंसर मिलेगा 60 और यहां पर 2a हम डाल देंगे। अब क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हम यहां कर देंगे, 2a यहां पर मल्टीप्लाई है ना, मतलब 2 बटे 1 इस तरह से आप कह सकते हैं 2a। अब ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई अगर इधर जाएगा तो डिवाइड में बदल जाएगा, तो इसको कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं 3/25 2। अब 2 से इसको काट सकते हैं, 0 टल जाएगा, हमें मिलेगा ये बराबर 30। अब हमें a की वैल्यू पता चल गई है, ठीक है, a की वैल्यू पता चल गई है। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है तो हमें b को इस फॉर्मूले से रखना है, a की वैल्यू पता चल गई तो क्या रखेंगे हम, b बराबर 46 माइनस a की वैल्यू क्या है 30, तो यहां पर आ जाएगा b की वैल्यू 16। ये है आंसर, तो कुछ इस तरह से ये न्यूमेरिकल होगा। यदि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छा लगा हो और काफी सिंपल वे में समझ में आया हो तो चैनल को लाइक जरूर करें और बताएं कि आपको ऐसे ही और भी फॉर्मूले चाहिए। धन्यवाद।